चुनाव आयोग का अभी मीटिंग चल रहा है और 7 और 8 तारीख को लगभग 60 पार्टी को चुनाव आयोग बुलाएगी, सभी पार्टियों को। फिलहाल तो अभी चुनाव आयोग अपने लीगल और टेक्निकल जितने भी हैं उनका मीटिंग चल रहा है और केंद्र सरकार ने बोला है कि हम पूरी तरह से आपका समर्थन करेंगे, जो सुविधाएं चाहे केंद्र सरकार देगी, लेकिन एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से ये किफ़ायती होगा, सरकार के हित में पैसे कम खर्च होंगे और विधानसभा और लोकसभा का एक बार पहले भी चुनाव पहले एक ही समय हुआ करता था। अब वो पद्धति दोबारा लागू हो तो मैं समझता हूँ कैंडिडेट के लिए भी, राज्य के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए, सभी के लिए सुविधा होगी। लेकिन अभी विषमता कहाँ है? अभी 6 महीना पहले किसी को चुनाव हुआ जी, आपको डिजर्व करके कि वन नेशन वन चुनाव मिले जाएंगे, तो 6 महीना पहले चुनाव, तो इसलिए सरकार को पद्धति पर विचार करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे इसका विचार करने की आवश्यकता है, बहुत लंबा समय है।